कोई किसी को इतना दर्दनाक तरीके से मार सकता है, ये सोचिए। ये कौन मार रहा है? आप मणिपुरी मैतई मत सोचिए, एक भारतवासी, एक इंडियन मर रहा है। तीन इंडियन मरे हैं कल, तो आप लोग चुप क्यों हैं? मैतई के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, मैतई को बचाइए। और जो समुदाय, जो दो अदर समुदाय रह रहे हैं, नागा रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, वो भी सब भुगत रहा है। ये वीडियो एक पार्लियामेंट के एक दिन पहले लिख किया गया, तो इसका मतलब है कुकी समुदाय के लोग दंगा चाहते हैं, कुकी समुदाय के लोग हत्या करना चाहते हैं, कुकी समुदाय के लोग इंडिया को, मणिपुर को बर्बाद करना चाहता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां प्रदर्शन चल रहा है। और ये जो है पूरे तमाम लोग जो यहां पर मौजूद हैं वो सभी मैती समुदाय से आए हैं, क्योंकि जो तीन महीने से ज़्यादा हो चुका है मणिपुर को जलते हुए, दंगा भड़के हुए, लेकिन वहां पर शांति अभी तक बहाल नहीं की गई है। और इसी को लेकर यहां पर तमाम लोग जो हैं वो रैली कर रहे हैं। अभी तक आपने रैलियाँ देखी, जो प्रदर्शन देखे होंगे वो कुकी समुदाय का देखा होगा, लेकिन आज ये मैतई समुदाय के लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। ये लोग यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, जिस तरीके से मणिपुर मैतई समाज जंतर मंतर पर धरना कर रहा है। ये जो तीन महीने से ज्यादा हो चुका है मणिपुर में, लोग रोज मर रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा एक वीडियो पे, तीन मैतई का जिंदा जला दिया गया, जिंदा का सर काट दिया गया, उसको उसके बंदूक से मार दिया गया। मतलब इतना दर्दनाक सीन, आप ह्यूमैनिटी के, मतलब कोई धर्म, जाति, समाज, ये सब साइड में रख के, मतलब कोई किसी को इतना दर्दनाक तरीके से मार सकता है, ये सोचिए। ये कौन मार रहा है? आप मणिपुरी मैतई मत सोचिए, एक भारतवासी, एक इंडियन मर रहा है। तीन इंडियन मरे हैं कल, तो आप लोग चुप क्यों हैं? मतलब इतना सारा हो चुका है, मतलब आप लोग, मतलब ये मत बोलिए कि ये कुकी का सफ़र हुआ, मैतई के सफ़र हुआ, मतलब ये दोनों सफ़र कर रहे हैं, मुझे मालूम है दोनों सिविलियंस कम्युनिटी के लोग सफ़र कर रहे हैं। पर मुझे आप लोग को सब बताना है कि आप लोग जर से ढूंढिए, रूट कॉज ढूंढिए, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये क्यों हिंसा हुआ, कहाँ से वायलेंस शुरू हुआ, ये आप बोलिए ना। ये मत बोलिए कि ये कुकी भी सफ़र कर रहा है, मैतई भी, हम लोग मालूम है, आपके बोलने से भी ज़्यादा मालूम है कि मैतई भी, इनोसेंट सिविलियंस भी सफ़र कर रहा है, कुकी समाज भी सफर कर रहा है। पर क्या है, ये बाहर से आया हुआ, म्यांमार से आया हुआ चीन कुकी नार्को टेररिस्ट जो है, ये भारत में आके, मणिपुर में आके अफीम का खेती कराने के लिए, करने के लिए कर चुके हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं अभी, वो लोग ड्रग के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट स्टेक की मांग कर रहे हैं। डिफरेंट स्टेक को मिलने के लिए वो लोग मैते के ऊपर अत्याचार करके वो लोग आतंक फैला रहे हैं, इस पे सभी इनोसेंट लोग भुगत रहे हैं। कहा जा रहा है कि मैतईयों ने वहां पर सबसे ज्यादा दंगा भड़का रखा है, मैतई जो है सबसे ज्यादा उग्रवादी हैं। क्या जी? मैतई लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा उग्रवादी हैं, वो सबसे ज्यादा दंगे भड़का रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं कुकी पर। नहीं नहीं, मैतई लोगों में क्या जो है, मैतई लोगों इनोसेंट लोग हैं। भारत संस्कृति में अभी आपने देखा हुआ, अभी भारत में जो मणिपुरी रासलीला डांस मालूम है, अभी जो भारत की संस्कृति को सबसे इंटरनेशनली फेमस लेकर जाता है, हमारे मैतई लोग ही लेकर जाता है, और सभी समुदाय के लोग मिक्सचर करके, मतलब सेकुलर करके, हमारे मणिपुर में डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करके मणिपुर में सब रहते हैं। पर क्या है, आप जो बोल रहे हैं, ये जो आप न्यूज़ बोल रहे हैं कि मैतई ने कुकी पे अत्याचार किया, वहीं पर आप लोग गलत हो गए, आपको, आप डू यू नो देट हु आर मैतईज एंड हु आर कुकीज, आपको मालूम है क्या? आपको खुद भी मालूम नहीं होगा कि मैतई कौन है और कुकी कौन है। जो आप बताइए, आप समझाइए। वही तो, ये चीन कुकी नार्को टेररिस्ट जो बाहर से आए हैं, आतंक फैलाने के लिए आए हैं मणिपुर में, वो लोग अफीम का खेती करते हैं, पॉपी बिजनेस का, पॉपी कल्टिवेट करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मणिपुर में आके अभी डिफरेंट स्टेट की मांग कर रहे हैं। वो लोग का होप है, ड्रीम है कि डिफरेंट कंट्री बनाना, डिफरेंट नेशन बनाना, कि वो लोग का कम्युनिटी एक साथ रह के वो लोग का अलग सा बिजनेस हो। इस पर कौन भुगत रहा है? मैतई सिविलियंस भी भुगत रहा है, कुकी सिविलियंस भी भुगत रहा है। तो कुकी सिविलियंस जो भुगत रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन भी है? जो कुकी का कुचिन कुकी नार्को टेररिस्ट है और जो ड्रग कार्टेल्स है, ये दोनों भुगत रहा है। इस पर मैतई का जो, उन लोगों ने फोर्स प्रोपेगेंडा लगा के मैतई ने ये किया वो किया, आप देख सकते हैं 3 मई में क्या हुआ। इतना ज़रा टेररिस्ट आके सभी मैतई के घर को जला दिए, चोरचामपुर में जो कुकी डोमिनेटेड एरिया है, माइनॉरिटी है मैतई, वहाँ पे सब जला दिए।
मैत्री के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, आप उसको कवर कीजिए ना। बात यही आप कह रहे हैं मैत्री के साथ अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ जंतर मंतर पर कुकी लोगों ने भी प्रदर्शन किया। हमने सवाल किया तो उनका जवाब था कि मैत्री लोग जो है कुकी लोगों से जलते हैं क्योंकि वो ज्यादा अमीर है, वो वेल एजुकेटेड है, इसलिए आप उनसे जलते हैं। वो कोटा कैसे मिलता है, उसने क्या यूज किया है, एसटी का कोटा। वो लोग बाहर से आके जो कुकी में दो समुदाय है, ओल्ड कुकी भी है न्यू कुकी भी है। अभी देख लीजिए ओल्ड कुकी को छोड़ दीजिए अभी, बट न्यू कुकी जो बाहर से आया है वो लोग एसटी का जो भारत के संविधान जो एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा को लेके उन लोगों ने ये पावर को यूज करके इतना पावर यूज करके कोटा को यूज कर रहा। वो लोग बाहर से आके भारत मणिपुर में 100% जगह में रह सकता है, पर मैतेई लोग स्थानीय कम्युनिटी हो के मणिपुर में सिर्फ 8% में ही रह सकता है, अदर जगह में नहीं रह सकता। ये इंसाफी है, नहीं इंसाफ है। ये मणिपुर में मैतेई लोग सिर्फ 8% में रह सकते हैं। इसके लिए जो है मैतेई के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, मैतेई को बचाइए। और जो समुदाय जो दो अदर समुदाय जो रह रहे हैं, नागा रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, वो भी सब भुगत रहे हैं। इसलिए आप लोग बचाइए, आप लोग का भारतवासी का आवाज चाहिए, क्योंकि कुकी का समुदाय के थोड़ा लोग वो लोग एडवाइस कुकी चिन मिलिटेंट्स वो लोग एडवाइस कर रहा है ये सब फोर्स प्रोपेगेंडा भारत में फैलाने के लिए। जो दो महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था वो किसने किया? वही तो, एक दिन पहले पार्लियामेंट के एक दिन पहले वो वीडियो वायरल हुआ, पर इतना सारा मैतेई का लड़कियों का रेप किया गया 3 तारीख को, बुरी माँ को जलाया गया, मतलब एक बच्चे को मार दिया गया, ये सब वीडियो ना होने के वजह से आप लोग नहीं बोल रहे? रेप करने के टाइम में वीडियो खींचेगा नहीं, आप समझ सकते हो इतना लोग मर रहे हैं। इसके रिटालिएशन में क्या क्या हुआ वो अलग बात है, एवरी एक्शन का रिएक्शन होता है, पर इतना महिला लोग को मतलब रेप किया गया, वो किया गया, उसका वीडियो नहीं है बोलने से आप लोग क्या करेंगे, बोलिए। हर जगह मैतेई ही दंगाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग हैं मैतेई जो महिलाएं हैं वो उग्रवादियों को छुड़ा लेती है सेना से, ऐसे वीडियो दिखाए जा रहे हैं। आपको किसने बोला, किसने वीडियो, आप आए हो मणिपुर, भारतीय सेना जो है वीडियो ऐसे साझा कर? नहीं नहीं नहीं, आपका वीडियो क्या देखा आपने, कल तीन मैतेई को सिर से अलग करने का वीडियो देखा? आप वो तो बोलते नहीं हो, नंबर वन। आपने क्या क्या वीडियो देखा? वो नहीं देखा आप। दूसरा, असम राइफल के साथ कुकी लड़कियों के साथ डांस करने का वीडियो देखा, गाना गाने का वीडियो देखा? वो तो नहीं देखा होगा आपने। आपने किसी कुकी के लोगों ने आपको सब नैरेटिव लगा के मेरे ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, पर सच्चाई जानने के लिए आप मणिपुर आइए, दोनों तरीके से जाइए, पर आपको बाद में मालूम होगा कि मैतेई लोग कितना सफर कर रहे हैं वहाँ पे। आप जो सफर कर रहे हैं वो उसकी वीडियो उसकी बातें बाहर क्यों नहीं आ रही? बाहर आ रहे हैं, बहुत सारा बाहर आ रहे हैं, पर क्या है हमारा मैतेई के लोग दंगा को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते। एक वीडियो आएगा, आपको मालूम है आपका भाई का मारने का वीडियो आएगा, आप कितना गुस्सा होगे? ये वीडियो चलते रहेगा तो मणिपुर मरता जाएगा, इंडिया बर्बाद होते जाएगा। ये वीडियो एक पार्लियामेंट के एक दिन पहले लीक किया गया, तो इसका मतलब है कुकी समुदाय के लोग दंगा चाहते हैं, कुकी समुदाय के लोग हत्या करना चाहते हैं, कुकी समुदाय के लोग इंडिया को मणिपुर को बर्बाद करना चाहता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि आपने संसद भी खत्म होने वाला है, इज द टाइम टू सॉल्व द सॉल्यूशन पीस के लिए। पीस मिस बोलने से पीस नहीं होगा। आपने साफ तौर पर सुना कि कैसे इनका कहना है कि ये जो है आपस में दंगा भड़काने की सारी साजिश की गई है, दो जातियों के बीच में जो है वो पूरी तरह से जानबूझकर एक वीडियो वायरल किया जाता है और दो जातियों के बीच में दंगा भड़काया जा रहा है। सरकार को इस पर शांति बहाल करने के लिए कदम उठाने चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए। सत्र जो है वो खत्म होने जा रहा है, सत्र खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री को इस बात पर बोलना होगा, जो वहाँ के राज्य मंत्री हैं मुख्यमंत्री हैं उनको शांति बहाल करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि चाहे वो कुकी हो चाहे वो मैतेई हो, चाहते दोनों शांति ही है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर के लोग हिंसा में मारे जाएं, जिंदा जला दिया जाए, या किसी की बेटी के साथ, माँ बहन के साथ इस तरीके से जिस तरीके से दरिंदगी हुई है वैसी
तस्वीरें सामने आए, पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।